विघ्नहर्ता श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश। असुर महानायक, हमारे गुप्तचर ने सूचना दी है कि एक नहीं तीन रथ अमरपुर की ओर बढ़ रहे हैं। मात्र तीन रथ? हाँ महामंत्री कुटिलाक्ष, मात्र तीन रथ, किंतु प्रत्येक रथ एक संपूर्ण नगर के समान विशालकाय है, अनेकों सैनिकों के सैन्य दल से सुसज्जित है। मैं स्वयं उनकी इस असाधारण विशालता का साक्षी बना हूं। अनेकों सैनिक और शहीद देवता उनके साथ सैनिक बनकर आ रहे होंगे? नहीं नहीं तो अवश्य त्रिदेवों ने उसका सहयोगी बनना स्वीकार किया होगा। त्रिदेवों और देवताओं को नहीं, वो सेना असंख्य नारी योद्धाओं की है। तुम्हारी सभा में तुम्हारी उपस्थिति में ऐसा अठास करने का दुस्साहस कैसे कर रहे हैं ये? इसका कठोर दंड दो। नारी शक्ति। नारी के नेतृत्व में अनेकों नारी योद्धाओं की सेना आक्रमण कर रही है, इसमें परिहास और अट्ठहास का क्या कारण है? कोई समझाएगा मुझे? क्षमा करें असुर महानायक, परंतु ये परिहास नहीं तो और क्या है? एक नारी अनेकों ब्रह्मांडों की अधिपति, महानतम असुर महानायक भंडासुर जी को चुनौती देने का दुस्साहस कर रही है, और वो भी नारी योद्धाओं की दुर्बल सेना के साथ। असमानता के इस युद्ध में क्षति हमारी नहीं उनकी ही होगी। हाँ पिताश्री, हमें कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। जैसे शुंभ निशुंभ को कोई क्षति नहीं पहुंची और जैसे महिषासुर भी आहत नहीं हुए, नारी को शक्तिहीन समझने की मूर्खता मत करो। शक्ति की स्रोत है वो, अपार शक्ति जागृत कर सकती है। और यहाँ जिसका आगमन हो रहा है वो कोई साधारण नहीं, अपितु असुर गुरु शुक्राचार्य के अनुसार स्वयं देवी पराशक्ति के रूप माता ललिता है। किंतु असुर महानायक, जिसका नाम ही ललिता हो वो तो कोमल ही होगी, क्योंकि सत्य यही है, यथा नाम तथा गुण। भयानक संकेतों को उत्पन्न करने वाली, अपने नाम के अनुरूप कोमल तो गदा भी नहीं है। परंतु असुर महानायक, ये भी तो हो सकता है कि ये मात्र उसकी एक माया हो। मुझे कदापि ये विश्वास नहीं है कि एक नारी प्रकट होते ही इतनी विशाल काय सेना उत्पन्न कर दे। समस्त ब्रह्मांडों में आप सर्वाधिक शक्ति संपन्न है, महानतम है आप। जिसने आपको चुनौती देने का दुस्साहस किया है, उसके लिए यही उचित दंड होगा कि आप अपने सबसे दुर्बल असुर से उसे पराजित करवाएं। ये उचित सुझाव लग रहा है।
मैं अपने सबसे दुर्बल असुरों को ही उस नारी का सामना करने के लिए भेजता हूँ। इससे मुझे उसकी शक्ति और युक्ति दोनों का भान हो जाएगा। असुर महानायक द्वारा कभी कभी अपने महामंत्री और सभासदों का उचित सुझाव स्वीकार करना इतना तो चलता है, तो फिर किसे भेजे हम? असुर भ्राताओं दुर्मत और कुरुंद। वो मूर्ख, मुझे विश्वास नहीं कि वो ये कार्य कर सकेंगे। हाँ विशुक्र, वो मूर्ख तो हैं, परंतु समर्थ भी, और वैसे भी उन्हें एक नारी और उसकी सेना से ही तो सामना करना है। दुर्मत और कुरुंद, दुर्मत और कुरुंद। तुमसे पूर्व यहाँ मैं आया था, इसलिए भीतर भी मैं जाऊंगा। अरे किंतु तुमसे टकराकर तुमसे पूर्व मैं नीचे गिरा था, तो मैं जाऊंगा ना प्रथम। गिरे तुम होगे, किंतु अधिक निद्रा किसने ली है? मैंने। और अधिक खर्राटे भी तो मैंने लिए हैं, 40 खर्राटे। प्रणाम असुर महानायक। हे महान असुर महानायक, इन दोनों महामूर्खों को भेजकर कहीं हम अपना अपमान तो नहीं करा रहे हैं? मेरा हाथ, मेरा हाथ कहाँ गया? कहा था ना मैंने, मूर्ख हैं परंतु समर्थ भी। कितनी तीव्र गति और शक्ति से अपने शत्रु का आखेट करते हैं ये, देखिए महानायक। जाओ तुम दोनों और अमरपुर की ओर बढ़ते हुए रथों को रोको। ये कार्य तो मैं ही करूंगा। असुर महानायक का प्रमुख सेवक जो बनना है मुझे। नहीं, ये कार्य मैं करूंगा। मैं क्यों ना बनूं उनकी दृष्टि में वाहन? नहीं, मैं करूंगा। ये तो यहाँ से जा ही नहीं रहे, कदाचित हमें दूसरे योद्धा को भेजना पड़ेगा असुर महानायक, जो आपके आदेश का पालन करने में समर्थ हो। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हम ही जाएंगे, ये महान कार्य हम ही करेंगे। मैं जाऊंगा, मेरे रास्ते में तुम बताओ। मैं जाऊंगा। चुप रहो, तुम नहीं जाता तो बताओ। मैं जाऊंगा। मंत्री कुटिलाक्ष, आपस में उलझ कर ये अपना कार्य ना भूल जाए, इसे सुनिश्चित करने आप भी जाइए इनके साथ। जैसी आपकी आज्ञा महानायक। इन रथों पर तो मात्र नारी ही आरूढ़ है, ये कार्य मुझे सौंप दें। नहीं, इन नारियों का संहार तो मेरे ही कुशल हाथों से शोभा देगा। नहीं, मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा। नहीं, मैं जाऊंगा। नहीं, मैं जाऊंगा। शांत। कदाचित मुझे ही जाकर असुर महानायक भंडासुर जी को यहाँ बुलाना होगा। नहीं नहीं, ओ, उन्हें बुलाने की क्या आवश्यकता है? हम दोनों आपस में क्रीड़ा से निर्णय ले लेंगे। ले लेंगे ना? हाँ हाँ, ले लेंगे। और क्रीड़ा में जो विजयी होगा वही आगे जाएगा। हाँ। देखो, इस पत्थर का सपाट भाग चित और ये खुरदरा भाग पट। देखो पत्थर उछाला, बोलो चित या पट? बोलो पट पट।
पट पट आ गया। अब मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। दुर्मद जाएगा, नारी सेना को समाप्त करके आएगा। भंडासुर को माता की शक्ति का तनिक भी आभास नहीं, जो उसने अपने सबसे दुर्बल योद्धा को उनसे युद्ध के लिए भेज दिया। भंडासुर बहुत चतुर है भैया, इसे भेजने के पीछे भी उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होगा। आज मैं और मेरे अस्त्र इनके रक्त से तृप्त हो जाएंगे। तुम जो भी हो मूर्खता मत करो, हट जाओ मेरे मार्ग से, अन्यथा मेरे रक्त के तले कुचल जाओगे। नारी हो, नारी के समान व्यवहार करो। मैं एक अवसर देता हूँ, युद्ध की कामना त्याग कर यहाँ से लौट जाओ, अन्यथा मैंने अपना कार्य प्रारंभ किया तो तुम सभी रथों पर कोई जीवित शेष नहीं बचेगा, शेष नहीं बचेगा। रुकिए देवी दंडीनाथ, आप सेनापति, अभी आपको वार करने की कोई आवश्यकता नहीं। सर्वप्रथम आप अन्य देवियों को उनके शौर्य का परिचय देने दीजिए। देवी संपत करी, देवी संपत करी। प्रणाम माता, विजय भव। ये दुर्मद इस छोटी सी कटार से उस नारी योद्धा, उस देवी का सामना करेगा? कटार हो अथवा खड़क, इनके साथ युद्ध करने में तो अद्भुत कुशलता है दुर्मद की। इस युद्ध को शेष होने में अधिक समय नहीं लगेगा। ये असुर इतना सहज क्यों है, जैसे उसे कोई भय ही ना हो। इन बाड़ों को तो मैं बड़ी सरलता से नष्ट कर दूंगा। दुष्ट असुर, मेरे इस बाण का सामना अब नहीं कर
मेरी गति का परिचय तो तुम्हें हो ही गया होगा देवी। इसके पहले कि तुम कुछ भी करो, मेरा ये खड़ग अपना कार्य कर चुका होगा। इसलिए अपने बचाव में कुछ भी करने का प्रयत्न न करना। असंभव, ये कैसा छल किया इसने, जिसे माता संपत करी रुकने पर बाध्य हो गई। देव सेनापति कुमार कार्तिके, ये असुर हैं असुर। युद्ध के नियमों का पालन करना इनकी प्रवृत्ति नहीं, ये तो छल स्वरूप पीछे से आक्रमण करते हैं सदैव। छल को अपना बल बनाने में महारत प्राप्त है हम भ्राताओं को। शत्रु का संहार करना एकमात्र लक्ष्य है, जिसके हेतु शत्रु के वार के प्रकार की चिंता किए बिना बस वार करते हैं हम। अद्भुत, इन दुर्मद जी ने नियमों की सीमाओं को लांघ कर इन देवियों को सीमाओं में बांध दिया। सावधान देवी, मैंने कहा था ना, मेरी गति ही मेरा परिचय है, उसे चुनौती ना दीजिए। दुर्मद का खड़ग है ये, इसके प्रहार को रोकना इतना सरल नहीं। बनेगी तुम्हारा परिचय। असंभव, भ्राता दुर्मद का प्रहार व्यर्थ कर उन्हें ही आहत कर रही है देवी। जब अधर्म का सामना धर्म से होता है तो उसका अंत आरंभ हो जाता है, और अब दुर्मद के साथ भी वही हो रहा है। जिस गति को तुम अपना परिचय, अपनी विशेषता कहते हो, वो हम नारियों की शक्ति का एक साधारण गुण है दोस्त। तुच्छ नारी, ये तुम नहीं, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है, जिसे मैं अभी अपने प्रहार से नष्ट कर दूंगा। दुस्साहसी असुर, दंडित तो तुम हो गया। उचित हुआ, सर्वथा उचित हुआ। उचित हुआ नहीं, आप होगा। संपत करी एक साधारण असुर सैनिक का वध किया तो क्या हुआ, अब जैसे मुकुट को क्षति पहुंचाई है वैसे ही इसके मस्तक पर वार कर इसका अंत करूंगा मैं। मूर्ख असुर, ये तुम्हारे मुस्कुराने का समय नहीं, अपनी मृत्यु से भेंट करने का समय है, और जिसका अस्त्र का चुनाव तुमने स्वयं किया है। अब मुझ पर वार करने का अवसर नहीं दूंगा मैं तुम्हें। Thank you.
कपट से अर्जित सामर्थ्य एक ऐसा छलावा है जिसका अंत धर्म रूपी स्तंभ से टकराते ही हो जाता है।